हेलो गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? मैं हूं करण और आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं घर से निकल चुका हूं और ये हम ब्लॉग शूट कर रहा हूं। ये हमारे गांव का है, जो कि हमारे क्षेत्र का प्रचलित मंदिर है और हमारे गांव के बगल यानी मेन रोड के बगल में है और इसका नाम है नाव मंदिर। जिसने भी देखा है वो एक बार कमेंट में ज़रूर बताए कि किसने देखा। अगर पर्सनली इसका ही ब्लॉग में बनाऊँ तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इसका ब्लॉग चाहिए। तो गाइस, हम आ चुके हैं जहाँ कि हमारे गांव में मूर्ति रखा था दशहरा पूजा में और ये हमारा बचपन का स्कूल है जो कि आप देख सकते हैं और यहीं पे हम लोग मूर्ति रखते हैं मिलकर। और ये हमारा दोस्त रहा। तो क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो मैं आपको पूरा ये दिखाऊंगा ब्लॉग में आज, जो कि अभी सिर्फ अभी कलसा धराया हुआ है और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। तो अब कमेंट करिए और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा, जो कि इतना मेहनत किए हैं। आप देख सकते हैं कि सब जितना खंवा गड़ा हुआ है ना, इस सब में लाइट लगने वाला है, एकदम मस्त और फैंटास्टिक लगने वाला है। तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिए और चलिए मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ। तो गाइस, हम लोग का बचपन इसी स्कूल में से स्टार्ट हुआ था और ये हमारे कुआं है और ये मेरा वहाँ पे साइकिल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। मेरा BMW यहाँ पे है, तो एक लाइक तो बनता है BMW के लिए। और हमारे कुछ दोस्त यहाँ पे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे साउंड वगैरह वगैरह है और यहाँ पे हमारे कलसा है, मैंने पूजा पाठ का जितना सामान है वहाँ पर है। मैं और आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे थोड़ी सी नॉइस आ रही है, क्या ही बोले। तो गाइस, मैं दिखा दिया हूँ और मैं यहाँ पे रात को रामायण चलता है और आवाज़। तो गाइस, लग रहा है वीडियो लंबा हो रहा है और अपना मेन गेट है वहाँ पे और ये स्कूल अपना बचपन की यादें बहुत दिलाती है। और ये हमारा रहा यहाँ पे, जो कि वह घेरा हुआ है, वहाँ पे मूर्ति रखाएगा। और चलिए नाइट में मिलते हैं। तो गाइस, हम नाइट में आ चुके हैं और ये अपना जो सुबह में मैं दिखाया था नाव मंदिर का, वही नाव मंदिर है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा लाइटिंग बहुत ही मस्त और दर्दनाक है। तो बिना समय गवाए चलिए हम रामायण स्टार्ट करते हैं। तो हम स्कूल पे आ चुके हैं, आप आवाज़ सुन रहे हैं। और हमारा वहाँ 4K जो TV है, LED जो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हमारे यहाँ गाँववासी है जो कि लोग आते हैं देखने के लिए और यह बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है हम लोगों को भी। और मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे रामायण चल रहा है, 4K TV है। अरे 4K TV नहीं, 4K वाला TV है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो आनंद लीजिए और चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नहीं और वीडियो कैसा लगा? अगर नाव मंदिर का ब्लॉग चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है, जो सप्तमी का पट खुलेगा ना यानी मुंह खुलेगा, उसका वीडियो में डालने वाला हूँ। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो एक बार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए होगा। और नाव मंदिर का ब्लॉग चाहिए तो नाम के जरूर कॉमेंट कीजिएगा। तब तक लिए जय हिंद। और हमारी ओर से सत्य उसे निभा देता हूँ।